अद्भुत है ये पर्युषणा महापर्व। कितनी सारी चीजें को समाविष्ट करके ये पर्युषणा महापर्व को तैयार किया गया है, कितनी सारी चीजों को समाविष्ट करके ये पर्युषणा महापर्व तैयार हुए हैं। और ऐसे पर्युषणा महापर्व जब हमारे सामने आए हैं और तब भी हम जागे नहीं, तब भी हम धर्म में जुड़े नहीं, तब भी हम धर्म की आराधना करे नहीं, तब भी भीतर के प्रमाद को भगाए नहीं, तब भी ऐसे ग्रंथों का श्रवण करे नहीं, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि फिर कब कल्याण होगा। एक चीज समझ लेना, पर्युषणा महापर्व हमको ये सूत्र देता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कहा कि तू कितना पापी हो, दुष्ट हो, लेकिन ये पर्युषणा महापर्व ऐसे है कि तुझे तार सकते, लेकिन अभी भी तू चूक गया तो फिर तुझे तिरने की संभावना कभी नहीं बनेगी। और ऐसे अद्भुत पर्युषणा महापर्व हमारे प्रांगण में हो, हमारे सामने हो, एक के बाद एक दिन निकल रहे हो। पर्युषणा महापर्व यानी क्या? यह पर्युषणा महापर्व कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि पूरे साल में धर्म आराधना न करी तो कोई बात नहीं, पर्युषणा महापर्व का आलंबन मिलेगा तब कर लेंगे, यह चल सकता है। लेकिन पर्युषणा महापर्व में भी चूक गए, यहां पर भी प्रमाद आपके सामने आ गया, यहां पर भी भोजन आपके सामने आ गया, यहां पर भी सांसारिक कार्य आपके सामने आ गए, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि फिर तिरने की संभावना नहीवत बन जाएगी। पर्युषणा यानी प्रेम का पर्व, पर्युषणा यानी प्राप्ति का पर्व, पर्युषणा यानी पवित्रता का पर्व और पर्युषणा यानी प्रेरणा का पर्व। यह पर्युषणा महापर्व ऐसा है जहां हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा मन ऐसा है जहां उसे प्रतिदिन प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भोग भोग के संस्कार है, संसार की ओर खिसकने के, संसार की ओर खिंचाव के, संसार की ओर मुड़ने के, संसार की ओर जाने के भव भव के संस्कार ये मन को है, ये आत्मा को है। और इसीलिए मनुष्य जन्म में जागने की संभावना है, मनुष्य जन्म में कुछ पाने की संभावना है, मनुष्य जन्म में कुछ कर गुजरने की संभावना है, मनुष्य जन्म में कहीं पहुंचने की संभावना है। लेकिन कब? यदि हमें प्रेरणा मिले तो, प्रेरणा न मिले तो ये मनुष्य जन्म भी सोते सोते ही निकल जाता है। बराबर समझना, संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रेरणा नहीं मिलती और इसीलिए ये मनुष्य जीवन को पाकर के भी उनका जीवन पशु जैसा है। खाना पीना सोना उठना जागना, भोगों को भुगतना, मौज मजा करने, बस यही जीवन की उपलब्धि है और कुछ है नहीं उन लोगों के पास। संसार में वही लोग जाग पाए जिनको कुछ प्रेरणा मिली। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि संसार में सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा देने वाला यदि कोई पर्व है तो यह पर्युषणा महापर्व है। आज से जो कल्पसूत्र ग्रंथ का वांचन शुरू होने जा रहा है, वो कल्पसूत्र ग्रंथ के माध्यम से इतनी सारी प्रेरणा हमें मिलती है हम सोच नहीं सकते। प्रभु के पूरे जीवन को दर्शाया गया है। और मैं तो कहता हूं, कई बार संसार में कोई धर्म में ये कहा जाता है कि प्रभु ने कहा है वो कहो, संसार में कोई धर्म में ये कहा जाता है कि प्रभु ने कहा है वो करो, संसार में कोई धर्म में यह भी कहा जाता है कि प्रभु ने करा है वो करो। समझना, संसार में कोई धर्म में यह कहा जाता है कि प्रभु ने कहा है वो करो, संसार में कोई धर्म में यह कहा जाता है कि प्रभु ने करा है वो करो, लेकिन जिन शासन ये जैन धर्म ये कहता है कि प्रभु ने किया है वो करेगा तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा, और प्रभु ने कहा है वो करेगा तो भी तेरा कल्याण हो। जैसे प्रभु जीवन जिए थे वैसे तू जिएगा तो भी तेरा कल्याण। प्रभु ने 12.5 साल तक कष्टों को सहन किया, तू सहन करेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रभु ने धैर्यता रखी, तू धैर्यता रखेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रभु ने सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखा, तू प्रेम का भाव रखेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। और प्रभु ने जो कहा, प्रभु ने कहा कि हिंसा नहीं करनी,
प्रभु ने कहा कि चोरी नहीं करनी, प्रभु ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, प्रभु ने कहा कि किसी का दिल नहीं दुखाना, प्रभु ने कहा कि किसी को बुरा लगे ऐसे उच्चारण नहीं करने। और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विश्व का एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो ये सिखाता है कि परमात्मा महावीर ने जो कहा है वो करो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, और परमात्मा महावीर ने जो करा है वो करो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। प्रेरणा का पर्व यानी पर्युषला महापर्व, प्रभु के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है, कभी हम भी दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और प्रभु के जीवन की एक घटना आंखों के सामने आती है, वहां से इंस्पिरेशन मिलता है, वहां से प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनना प्रभु के जीवन की एक एक घटनाओं को, 27 भवों की परंपरा को सुनना, और सुनकर जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको तकलीफ हो, जब भी आप दिक्कत में हो, जब भी आप पीड़ा में हो, जब भी आप तकलीफ में हो, परमात्मा की एक घटना आपकी आंखों के सामने आएगी ना, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। इतना इंस्पिरेशन ये कल्पसूत्र ग्रंथ के माध्यम से पर्युषला महापर्व में मिलता है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रेरणा का पर्व यानी पर्युषला महापर्व। क्या नहीं मिलता यहां से? तप की प्रेरणा भी ये पर्युषला महापर्व से मिलती है, दान की प्रेरणा भी ये पर्युषला महापर्व से मिलती है, भावों को ऊपर चढ़ाने की प्रेरणा भी ये पर्युषला महापर्व से मिलती है, संस्कारों को पकड़े रखने की प्रेरणा भी ये पर्युषला महापर्व से मिलती है, गुरुओं की वैयावच की प्रेरणा भी ये पर्युषला महापर्व से मिलती है, तो परमात्मा भक्ति की प्रेरणा भी ये पर्युषला महापर्व से मिलती है। आप जो चाहो वो प्रेरणा आपको यहां से मिल सकती है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं पर्युषला महापर्व यानी प्रेरणा का। कोशिश करना प्रभु के जीवन की एक एक घटनाओं को समझा जाए, प्रभु की सांसारिक अवस्थाओं को भी आप देखो। मात्र दीक्षा लेने के बाद, संयम ग्रहण करने के बाद 12.5 साल कष्ट सहन किए, ये तो आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु की सांसारिक अवस्था को देखो, उनके पिता के जीवन को देखो, महाराजा सिद्धार्थ के जीवन को देखो, आपको पता चलेगा एक श्रावक का जीवन कैसा हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन में दिमाग में बिठा देना पर्युषला महापर्व, ये प्रेरणा का पर्व है, ये पर्युषला महापर्व से यदि इंस्पिरेशन लिया जाए, यदि प्रेरणा ली जाए, तो पर्युषला महापर्व पूरे साल आपको प्रेरणा देता रहेगा, जब भी आप तकलीफ में आओ एकाध घटना आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, इतनी ताकत ये पर्युषला महापर्व में है। इसीलिए कहा गया कि पर्युषला महापर्व यानी प्रेरणा का। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।